गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल द ड्यूरिंग गर्ल। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा स्पेशल, और बहुत ज्यादा ही स्पेशल क्योंकि मेरा बर्थडे को हो गए हैं लाइक 1 वीक और अभी तक मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो नहीं डाली है जो कि मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था। तो आज मैं डालने जा रही हूँ फाइनली, और ये हो चुका है रात का समय। अभी जस्ट मैं बाहर से आई हूँ और देन आई रिमेम्बर कि अभी तक वीडियो शूट नहीं हुई है, तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और थोड़ी सी बैकग्राउंड वॉइस आएगी तो उसको इग्नोर करना क्योंकि मैं माइक यूज़ नहीं कर रही, मैं डायरेक्टली ऐसे ही बोल रही हूँ। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं और वीडियो पूरी देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। और उससे पहले आप लोग बताना कि मेरा बैकग्राउंड कैसा है, लाइक मैंने छोटा सा ऐसे ही सेटअप किया है बैकग्राउंड में। इन फ्यूचर हो सकता है मैं थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ अपने बैकग्राउंड में, लेकिन अभी टिल देन ये थोड़ा सा छोटा सा है। तो आप लोग बताना, और सबसे पहले मीट माई चॉट जो कि मेरी वीडियो में पहली बार आ रहा है, और यू नो ये मेरा प्यार है, मैं इसको हक किए बिना मैं नहीं सोती हूँ। तो नीचे से रख दे रही हूँ एंड चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि पता है बर्थडे को हुए 1 हफ्ता हो गया, ठीक है, और जिसने जिसने गिफ्ट लिया था किसी ने भी उसमें अपना नाम नहीं लिखा, तो मुझे खुद भी नहीं याद है किसने क्या दिया है किसने क्या नहीं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मुझे नहीं याद है, बस इतना मुझे याद है कि जितने भी गिफ्ट्स हैं वो बहुत प्यारे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा, और वो सब बहुत क्लोज है मेरे हार्ट के, मतलब जितने भी गिफ्ट्स हैं। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आई हैव दिस हैम्पर, दिस ह्यूज हैम्पर, एंड इसमें देखते हैं क्या क्या है। एक्चुअली मैंने ये सब कुछ पहले देख लिया था क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ जब मुझे कोई गिफ्ट मिलता है, तो मैंने देख लिया, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा दी हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास ये है कुछ सॉफ्ट टॉय जो कि मुझे बहुत मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा है, और ये मैं पक्का अपने बैकग्राउंड में यूज़ करूँगी। और मैं पता है मैं इसको बाहर तक नहीं निकाल रही कि ये इतना प्यारा सा क्यूट क्यूट सा है, गंदा ना हो जाए, तो मैं इसको बाहर तक नहीं निकाल रही क्योंकि इतना ज़्यादा प्यारा है। लेकिन आप लोग आने वाले मेरे ब्लॉग्स में इसको देखोगे एज माय बैकग्राउंड। तो सबसे पहले तो ये है, एंड देन आई हैव दिस बैग विच इज़ लाइक बहुत रॉयल ही बैग है, तो आप लोग को नहीं दिखा पाऊंगी वीडियो में, लेकिन आप लोग समझ जाओ ये इसकी क्वालिटी, इसका फैब्रिक, लाइक एवरीथिंग इज जस्ट वाइस। ये ऐसे ओपन होता है, लेट मी शो यू, और इसमें क्या है, इसके अंदर का कुछ ऐसे दिखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, लाइक काफ़ी ज़्यादा। आप लोग मतलब ये ऐसे मैं वेडिंग में इसको यूज़ कर सकती हूँ, और अभी यू नो शादियों का सीज़न भी आ रहा है तो उसके लिए ये आई गेस बेस्ट है। और देन ये है इसी हैम्पर में मेरे पास ये यू का बैग है, पाउच है, उसमें देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले मेरे पास ये है मेबेलिन की लिपस्टिक, एंड जिसने भी ये दिया उसको पता है दैट आई लव मेकअप। तो ये है मेबेलिन की लिपस्टिक, देन नेल पेन रेड कलर का, और ये लिप बाम है, आई लाइक है, बहुत प्यारी सी सुंदर सी कीचेन है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी थी, प्यारी सी है। और ये गोल्डन कलर का है नेल पेंट, एंड ये ब्लैक, दिस इज ऑफ ब्लैक कलर का नेल पेंट, ठीक है। तो इस पाउच में इतना ही था, अब हम चलते हैं दूसरे गिफ्ट में, और ये है मेरे पास, हाँ ये एक्चुअली वाइट कुर्ती है, और ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और ये मुझे एकदम फिटिंग हो गई है, एकदम जिसने भी दिया उसको मेरी आई गेस ही मंतशा ने दिया है, उसको मेरी फिटिंग एकदम पता है, तो ये थैंक यू मंतशा। और ये है बहुत प्यारा सा स्वेटर, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, ठंडियों के लिए, अभी ठंडी के सीज़न आ भी रहे हैं तो ठंडियों के लिए दिस इज़ बेस्ट, सो थैंक यू। एंड ये, और हाँ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये सारे गिफ्ट ऐसे मुझे नहीं मिले थे, सब बकायदा सब ने पैक करके मुझे दिया था, लेकिन जैसे कि मैंने बताया मैंने ये सब पहले से खोल लिया था, तो इसलिए ये सब पैकिंग से हट गए हैं। और ये तो मुझे राशि ने दिया है, ये चीज़ मुझे याद है,
और उसने ये खुद से पैकिंग किया था मेरे लिए, सो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और पता है उसने पैकिंग करते समय यहाँ पे चॉकलेट्स भी रखा था, जो भी चॉकलेट्स मैंने खा के ख़त्म कर दी है, और इसने चॉकलेट्स भी रखे थे। एंड देन ये है प्यारा सा ये टैंक टॉप नहीं, स्वेट शर्ट से आई गेस ये स्वेट शर्ट ही उसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। और ये भी बहुत अच्छा है, लाइक थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा आती है तो थोड़ी थोड़ी ठंडियों के लिए ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी है। उसको लेयरिंग भी कर सकती हूँ मैं वाइट शर्ट के साथ, तो बहुत अच्छी लगेगी। और ये हाँ, ये मैं बुके आप लोग को दिखाना चाहूँगी। ये बुके तो मुझे इतना अच्छा लगा था, लाइक मेरे आप लोग फोटोज चेक करना, मैंने इंस्टा पे अपलोड किए हैं, उस सारे फोटोज का जो है ये बुके जान था। लाइक लिटरली मेरी जो फोटोज है ना, इतनी ज्यादा एस्थेटिक और प्यारी हो गई थी इस बुके की वजह से। तो ये लाइक आई रियली लव दिस बुके। और इसमें रेड रोजेस थे जो कि अभी सब सूख गए हैं, लेकिन इसकी अभी भी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, तो ये भी था। एंड देन आई हैव दिस अगेन समथिंग, और इसमें ये क्यूट से सिपर, और इसमें यूनिकॉर्न बना है जो कि यूनिकॉर्न मेरा फेवरेट है, और ये बहुत प्यारा है। लाइक मैं कभी कदार डिटॉक्स ड्रिंक वगैरह पीती हूँ तो वो सबके लिए ये बेस्ट है। तो थैंक यू सो मच इस सिपर के लिए। और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ये प्लास्टिक नहीं है, ये कांच है, तो उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। सो थैंक यू सो मच। एंड देन आई हैव दिस ह्यूज गिफ्ट, लाइक ये बहुत, इसकी पैकिंग भी बहुत प्यारी और बहुत सुंदर थी, बहुत जो कि खुल गई है, लेकिन इसकी पैकिंग आप लोग थोड़ा थोड़ा देख लो, बहुत प्यारी पैकिंग थी। और मेरे पास है ये राम जी का मंदिर का एक स्ट्रक्चर, प्यारा सा छोटू सा, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। लाइक इसकी एक एक डिटेलिंग बहुत ज़्यादा प्यारी मुझे लगी, और लाइट जलने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा था जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। और मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दीज गिफ्ट्स, इसलिए भी कि मेरे जो क्लोज्ड वंस हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, वो मुझे हमेशा प्रिंसेस ट्रीटमेंट देती है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ ये सारी चीज़ों के लिए, टचवुड। और मैं सच में आपकी बार का बर्थडे मेरा बहुत ज़्यादा स्पेशल था, एंड थैंक यू ईच एंड एवरी वन फॉर मेकिंग माई डे। और हाँ, एक और चीज़ मेरे पास ये भी गिफ्ट था, और ये जो है ये छोटा सा इसको क्या कहेंगे, प्लेट कहेंगे, और ये स्पून है, और इसके साथ मुझे एक बहुत प्यारा यूनिकॉर्न का एक कप मिला था। लाइक वो बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा था, और वो जब मैं बर्थडे से आ रही थी तो वो सारी चीज़ें ना बर्थडे के वेन्यू से यहाँ शिफ्ट करने में वो चीज़ टूट गई, और वो इतना ज़्यादा प्यारा था, इतना ज़्यादा प्यारा था, मैंने तो भी सोच लिया था टूट गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी वीडियो में देखी। जब आज मैं वो सारी चीज़ें इकट्ठा की बर्थडे की, तो मैंने देखा वो गायब था, तो देन आई आस्क माय मम्मा कि कहाँ पे है, शी सैड कि उन्होंने फेंक दिया, तो उन्होंने फेंक दिया, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन वो गिफ्ट भी बहुत प्यारा था, यूनिकॉर्न का एक कप था, और ये लेकिन उसकी निशानी के लिए मैंने ये रखा है, और ये वैसा ही था, ऐसा ही कप था इसी डिज़ाइन में। तो ये इतने ही सारे गिफ्ट्स थे, और यू नो आगे भी आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं देने वाली हूँ। और ये अनबॉक्सिंग इसलिए मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो इसलिए मैंने बनाई है, जस्ट बिकॉज कि मैंने काफ़ी सारे क्रिएटर्स को देखा है यूट्यूब में अपने बर्थडे के गिफ्ट्स को अनबॉक्स करते हैं, वो लोग वो एक मेमोरी बनाते हैं कि हाँ 2024 के बर्थडे में उनको ये गिफ्ट्स मिले। तो बस मेरा भी यही मोटिव था वीडियो बनाने का। और बाकी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो बहुत सारा प्यार देना, और कोई भी गलती हुई हो तो आप लोग अपने सजेशन कमेंट्स में देना, कमेंट्स हमेशा खुले रहते हैं आप लोग के सजेशंस के लिए। सो यस गाइस, वेलकम आप लोग का कमेंट सेक्शन में, जो भी आप लोग राय देना चाहते हैं दीजिए। और मेरी जो YouTube ऑडियंस है वो बहुत अच्छी है, लाइक मैं जब भी वीडियो नहीं डालती हूँ वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देती है, मुझे समझाती है। कई लोग तो मुझे अपनी बहन के फेस का मतलब कहते हैं कि एकदम तो मेरी बहन लगती हो, बहन की फेस की हो, तो वो सारी चीज़ें ना मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, इतनी अच्छी, मैं सच बता रही हूँ। मैंने बीच में सोच लिया था कि मैं अब YouTube पे वीडियोस नहीं बनाऊंगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और यू नो मुझे इतने सारे वो दिख 7 मंथ्स मैंने वीडियो नहीं बनाया है, और देन मुझे एक कॉमेंट्स आया था
एक मुझे कमेंट आया था, वो कमेंट मैं यहाँ स्क्रीन में लगा दूंगी, और वो कमेंट के बाद मुझे इतना मोटिवेशन आया, देन आई वॉज लाइक कि नहीं, मैं यूट्यूब नहीं छोड़ सकती, तो मैं वीडियोज़ बनाऊंगी। तो गाइज ऐसे ही हमारी जर्नी है, और धीमे धीमे हम लोग और आगे बढ़ेंगे और बढ़ते चले जाएंगे। लगे तो बहुत सारा प्यार देना, कॉमेंट करना। टिल देन बाय।